नंदो हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। अरे सुपरमैन क्या यार, लाइफ मुंबई लोकल जैसी हो गई है, अलग धक्के धक्के बचे हैं। छोड़ो यार, आज साथ बैठे अच्छा लगा, और खाना भी तो अच्छा था, क्यों मूड खराब कर रहे हो अपना यार? खाना तो सही था, खाना तो अच्छा था। अरे यार बहुत टाइम हो गया, मैं बिल पे करके आता हूँ। अरे रुक रुक, मैं पे करके आता हूँ। बहुत पैसे आ रहे हैं तेरे पास? अरे पैसे की कहाँ ले रही है, दोस्तों के लिए सब चलता है। How's your evening going? Very nice. Nice, yeah. Food was good. Nice, enjoyed it. Yeah. मैं तो यहाँ आता रहता हूँ casually. अच्छा, सेटअप क्या यहाँ के लोकल है? हाँ, यही द्वारका सेक्टर 52। द्वारका? मैं भी द्वारका से ही हूँ। द्वारका में कहाँ? वहीं लेन नंबर 8। यार जाना पड़ेगा यार, लेट हो गया बहुत। सही ऑर्डर? I'm sorry, मैं कुछ ऑर्डर नहीं करूँगा। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो भी उसे मिला नहीं ना अबे, बहुत अच्छा है। एक बार तू उसे मिल लेगा ना तो तेरे ख्याल बदल जाएंगे इसको। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे आपकी खाली सेफ्टी का कंसर्न है, और आप खुश हो तो फिर सभी खुश हैं। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। देख लो दी, मैं तो यही कहूंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़का, तेज है बहुत। Thank you.
भारत ने एक और पदक जीत लिया। अरे नवाबजादे आ गए हमारे, इनसे तो एक भी पदक नहीं जीता जा रहा। अरे पापा आप छोड़ो यार, आप तो आशीर्वाद दो। चाय पापा को पिलाते रहे ना तुम, मुझे लेट हो रहा है, मैं सैंडविच लेता हूँ। अरे यार तनिष्क के लिए तो रही क्या, इतनी जल्दी क्या है, समझ नहीं आ रहा। अरे नवाबजादे संभल के, एक स्वर्ण पदक आपको लाना है। अबे यार रोज क्या कर रहा, रोज लेट हो जाता है। ओए मिस्टर डिसिप्लिन, तेरा लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है यार, जल्दी चल। अबे ये सैंडविच, अरे तेरे लिए ला रहा हूं यार, चल पीछे चल। ठीक है बाइक में चलाऊंगा। आ जा आ जा, ले पकड़ ला। बहुत टेंशन है यार, अगले महीने से एग्जाम है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। अबे यार मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे तू ही पढ़ाएगा एग्जाम के लिए। अबे कितना कमीना है तू। अबे यार कमीना हूँ कैसे भी, हूँ तो तेरी दोस्त। भगवान कोई दूसरा अरेंज कर देते, यही भेजना था बेस्ट फ्रेंड के रूप में। ओ पढ़ भी लिया कर, फिर एग्जाम में कहता है दिखा दे। बहुत आगे है ना तेरे, मैं सारी आगे निकाल दूंगा। ओए थोड़ा पीछे होके बात कर, और औकात में रह अपनी। ओए औकात की बात किससे कह रहा तू। अबे हालात तेरे भी ज्यादा कोई सही नहीं है, जा काम कर अपना। अबे ओए किसी और से बोलियो तू, मैं बाद में देख लूंगा। अबे जा देख लेना जाके। अरे तनिष्क मैं चल रहा हूं, चलो यहां से तुम, तुझे मैं बाद में बताता हूं। अरे चल। तुम क्यों इन बदतमीजों के मुंह लगते हो? अगली बार मेरे मुंह लगे ना मुंह तोड़ दूंगा इनका। अगर बात मुझ पे है तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बात दोस्तों की होगी तो मैं किसी अनजान से नहीं लड़ता। अब शांत हो जाओ, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे खुद पे ही आएंगे ना। टेनिस छोड़ना यार, तो बाद में देखेंगे। चलो फिर हम चलते हैं। ठीक है यार, बाय। तुम अभी तक नाराज हो? तुम शांत हो मेरे, शांत हो। यार जब तुमसे बात करता हूँ या तुम्हारे साथ रहता हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। दिलो दिमाग पर एक सुकून सा छा जाता है, दुनिया को भूल जाता हूँ कुछ देर के लिए। बस यार तुम्हें खोने का डर लगता है। ये खोने की बातें मत किया करो तू, हम हमेशा साथ रहेंगे। वो सब छोड़ो, कल कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस इतने कॉल किए, एक का भी रिप्लाई नहीं किया। मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं मैं तुम्हारी, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मेरी बात तो सुन लो, कल मेहमान आए थे, बिजी थी, रिप्लाई नहीं कर पाए। तुम्हारे ना बहाने बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे तो ये भी लगता है तुम्हारा कहीं और भी चक्कर चल रहा है। कितने और बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे? तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में? प्यार का रिश्ता एक महीन धागे से बंधा होता है, और ये धागा विश्वास का धागा होता है, और मुझ पर शक करके तुम इस विश्वास को तोड़ रहे हो। ये फिलोसफी ना कहीं और झाड़ना, बहुत देखी है तुम्हारी जैसी, तुम्हारा तो काम ही है दिलों से खेलना। तुम चुप हो जाओ। ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अबे अबे कैसा है तू? ठीक हूं यार। अबे मैंने सुना पलक पलक बता रही थी कि तेरा अंजलि को कुछ पंगा हो गया। हाँ यार उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, पता है उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अबे यार तू भी दोस्ती और प्यार में क्या हिसाब किताब की बात करता है, तू बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहा है। देख परिंदे को ना पिंजरे में कैद नहीं रखते, उसे खुले आसमान में उड़ने दे। जब वो तेरे पास वापस लौटेगा ना तो वो तेरा ही था, और वापस नहीं लौटा तो वो कभी तेरा था ही नहीं। समझा कुछ बुद्धू? यार तू है ना मेरा परिंदा, तू तो प्यार करता है ना मुझसे। अरे भाई तू जान है मेरी, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। भाई यार मेरे काम करेगा क्या? पता क्या काम करना है यार, मेरे लिए ना एक फेक आईडी वाला सिम ला दे यार। अबे फेक आईडी वाला सिम कार्ड क्या करेगा ऐसे सिम कार्ड का? यार तू इतने सवाल मत कर यार, तू ला देगा कि नहीं ला देगा ये बता। अबे यार हो जाएगा जुगाड़, तो काम कर मुझे कल तक ला दे। अबे कल तक क्या, अभी ले, आधे घंटे में ला के दिख करता हूँ। यही तो होता है दोस्त यार। अबे अबे देख हो गया जुगाड़। अबे ये ले यार। अबे यही उम्मीद थी मुझे उससे भाई। इतना क्यों सोच रहा उसके बारे में, तुझे उससे अपना बदला लेना होगा, उसने जरा भी फिक्र नहीं की तेरी।
तुझे अपना बदला लेना होगा। मैडम जी कैसी हो? फोटो तो अच्छी आई है मैडम जी आपकी। वो देख दे फोटो वाली लड़की। अबे यही तो है फोटो वाली मैडम। अरे यार तनिष्क ये किसने किया? हाँ यार अबे अबे तुम्हारे पर्सनल फोटो किसने लीक कर दिए यार? यार मैं नहीं जानता ये क्या हुआ यार। यार अंजलि पिछले 2-3 दिन से मेरे पास ना बहुत मैसेजेस कॉल आ रहे थे अननोन नंबर से कि हम तुम्हारे फोटो तो मैसेजेस लीक कर देंगे यार। यार उन्होंने हमारे फोटो लीक कर दिए हैं यार। क्या यार मैं क्या करूं यार। अंजलि किस बात की कमी रखी थी मैंने तेरे लिए जो तूने आज मुझे ये दिन दिखाया? बोल तूने समाज में मेरी नाक कटा दी। बेटा ये तूने क्या किया? अपने पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दी मैंने आपको पहले ही समझाया था। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए। मैंने चुप हो जा। कुछ नहीं बोलेगी तू। चुप हो जा। कोई मौका नहीं मिलेगा तुझे। चल तेरा स्वागत सब कुछ मिला। मौत के पीछे तेरा हाथ है। नहीं छोड़ूंगा तेरे को मैं। रुक साले। भाई यार जितना तू उससे प्यार करता था उतने मैं भी तुझसे प्यार करता था ना। मुझे पता है मेरी बहन की मौत के पीछे तेरा ही हाथ है। बस तू पूरी दुनिया के सामने शरीफ बन रहा है। मैं दोबारा आऊंगा और तू देख छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। अब तो मैं भी चलूंगा कल। पहले बंदी उड़ा दी अब बुद उड़ेगा।
जॉय अब ये ज्यादा हो रहा है, तू अपनी औकात में रह। अरे तनिष छोड़ना यार। अरे जॉय यार तुझे फ्राइड फिश पसंद है ना? हाँ बिल्कुल। आज तेरा भाई तुझे कुक करके खिलाएगा। उसने मेरा मजाक कैसे बनाया, इसका हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। यार ये जो है ना पिटेगा मेरे से। और तू भी यार, वो तेरी मजाक उड़ा रहा था और तू उसके लिए फिश रोस्ट करने वाला है। छोड़ना यार, तू एक काम कर मेरे लिए। बता कहीं से पॉम्पलेट फिश ला देगा? यार पॉम्पलेट फिश इसका नाम तो सुना नहीं है मैंने। अरे बहुत टेस्टी होती है यार। अच्छा लेकिन तुझे लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? कहीं जहाँ मछुआरे होते हैं ना मछली पकड़ते हैं वहां से मिल सकती है। चल मैं जुगाड़ करता हूँ, शाम तक ला दूंगा। चल। अरे भाई फिश ले आया यार मेरे लिए। अरे ये ले यार, खास तेरे लिए बनाई है। इस ट्रिप पे सभी वेजिटेरियन है, सारी मैं ही खाऊंगा। हाँ यार वेज होने के लिए नुकसान है यार, हम तो खा भी नहीं पाएंगे, तो अकेला अकेले खाएगा। हाँ सारी मैं ही खाऊंगा यार। जो बनाएंगे तो तेरे लिए यार, प्यार से। थैंक यू यार। यार तू तो बोल रहा था कि पैराग्लाइडिंग नहीं करनी तुझे, कितने मजे आए हमें पैराग्लाइडिंग में। लेकिन यार एक बात बताऊँ, ये ट्रिप तुम सबको याद रहेगी। अरे याद तो रहेगी यार। हाँ यार काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, पर थक बहुत गए यार। यार थक तो बहुत गया लेकिन मजेदार था भाई जो भी था। हाँ भाई। अरे जॉय क्या हो गया, जॉय। अबे यार सुनने में आया जॉय की यार बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। अरे हाँ यार चलिए देख कर आते हैं। चल देखते हैं यही तो इसको। कैसा जॉय? यार वो डॉक्टर ने बोला उसको पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस हो गया? हाँ यार। अरे क्या हुआ जॉय को? अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हालत देख रहा है उसकी? तेरी वजह से हुआ ये सब। भाई उसको लास्ट टाइम शांत हो जाते, बात सुन मेरी। अगर हमें लड़ना होता ना हम सामने से लड़ते। भाई उसी ने खिलाया था उसको, तुझे देना नहीं था। पीछे हम बात नहीं करते हैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, सबके सामने भोला बनता है ना तू, तेरी अस्तित्व सबके सामने ला के रहूंगा। तू अभी गुस्से में तो अपने आपको सुना। हेलो कबे की लड़ाई हो गई है, जल्दी आ। अभी आ रहा तनिष। ये साहब है साला, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं हुआ, इसने जॉय कभी ये हेल्प कर दी कि तुझे भी नहीं छोड़ेगा, देख लेना, याद रखना मेरी बात। अबे साला तूने हाथ कैसे लगाया? तनिष तू इसकी बातों में मत आ, ये साला किसी का नहीं है। यार क्या अंजलि और जॉय के लिए अभी जिम्मेदार है? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अबे ने मुझसे बिना आईडी कार्ड का सिम कार्ड भी तो मंगाया था। सिम कार्ड का है? सिम कार्ड कहाँ है? ये मिला, अभी देखता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप। अरे 8991870004। अरे इस सिम कार्ड का और इस व्हाट्सएप ग्रुप का जिससे फोटो ली हुए, दोनों का नंबर एक है। ट्रिप पे मुझसे पॉम्पलेट फिश भी मंगाई थी, पॉम्पलेट फिश। और उसके बाद जॉय को पैरालिसिस हो गया था। पॉम्पलेट फिश, टेट्रोडोक्सिन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइजन। इसका मतलब है अंजलि और जॉय के लिए अभी ही जिम्मेदार है।
नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अबे! हेलो तनिष्क, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, बस मैं अभी अभय के पास जा रहा हूँ, तुमसे कल मिलके बात करता हूँ। सब ठीक है ना? मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कल बात करता हूँ मिलके। चलो ध्यान रखना अपना, कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अबे मुझे सब पता चल गया है, अंजलि के फोटो लेके पीछे भी तू ही था और जॉय की हालत की जिम्मेदारी तू ही है। भाई भाई यार, मेरी बात समझ यार, मैं मजबूर था। मैं सबको बता दूंगा कि इन दोनों का जिम्मेदार तू ही है। भाई तूने कहा था ना तू मेरे लिए जान भी दे सकता है। एक्शन। कल मेरी तनिष से बात हुई थी, वो काफी घबराया हुआ था, कह रहा था कि वो तुमसे मिलने आ रहा है। क्या वो तुमसे मिलने आया था? नहीं यार, मेरी तो कोई बात नहीं कल तनिष से। तुम पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं क्यों झूठ बोलने लगा यार? देखो अगर तुमने तनिष को कुछ भी किया तो वही हश्र मैं तुम्हारा करूंगी। अरे इसे क्या हो गया, ये तो बेहोश है। अरे अरे क्या हो गया डॉक्टर, इसे क्या हो गया था? कुछ नहीं, ये घबराहट के कारण बेहोश हो गए थे, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था। अब आप पुरानी बातों पे ज्यादा विचार विमर्श ना कीजिए और ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करिए। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, बुला लीजिएगा। पता नहीं क्या होता वहां कर रहा, तू तो बेहोश पड़ा था रोड पर, वो फरिश्ता बनकर आया और तुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कौन? आपको बाहर जाते देखा तो आपके पीछे भी चलाया, थोड़ी देर में देखा आपका टायर पंचर है तो मैं आपकी मदद के लिए पाना लाया। पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा, आप मुझसे डर के भागने लगे। थोड़ी दूर जाके देखा तो आप बेहोश मिले, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। खैर कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा, वैसे भी आपका डरना लाजमी है, सुना है शहर में मर्डर बहुत बढ़ गए हैं।